नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना शंकर सहनी। सुख और दुख क्या है? सुख पाने की चेष्टा में व्यक्ति जीवन भर व्यस्त रहता है, अनेक प्रयास करता है। और दूसरा पहलू है दुख। जब किसी के जीवन में दुख आते हैं, दर दर की वो ठोकरें खाता है, तो वो भगवान की शरण में जाता है या भगवान द्वारा दिखाए गए अन्य मार्ग, जैसे के यज्ञ अनुष्ठान, ज्योतिष, जिसे कि अब विज्ञान भी माना गया है, उसकी शरण में चला जाता है। कलयुग में ही इसका प्रभाव या महानता नहीं दिखती, हर युग में यज्ञ अनुष्ठान ज्योतिष की महानता दिखती है। भगवान राम ने यहाँ तक के अश्वमेघ यज्ञ किया था। और प्रोफेसर गुरुदीप अरोड़ा जी के ऊपर ईश्वर की असीम अनुकंपा है कि वो ज्योतिष में इतनी महारत प्राप्त कर चुके हैं कि बहुत सारे लोगों के दुख हरने के बाद अब वो समाज कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए निकले। जीवन में आने वाली परिस्थितियों को, चाहे वो सुख की परिस्थिति हो चाहे वो दुख की परिस्थिति हो, उसको पाप और पुण्य से नाप कर देखा जाता है। धर्म चाहे कोई भी, सब यही सिखाते हैं कि पुण्य कीजिए और सुख पाइए, पर इस सुख को प्राप्त करने का रास्ता कौन बताएगा? प्रोफेसर गुरुदीप अरोड़ा जी एक ऐसी महान शख्सियत है जिनकी शरण में जाने से आपको इन सब चीजों का ज्ञान हो सकता है। पर मेरा मानना है कि अगर पुण्य के रास्ते पर चलना हो, ज्योतिष के मार्ग पर चलना हो, तो प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा की एक सलाह आपके जीवन के मायने ही बदल देगी। अगर हम ऊपर वाले को अपने दुखों का कारण मानते हैं तो हम बहुत बड़े कसूरवार हैं। कर्मो उत्थान कर्मो पतन कर्मो रही गंभीर गति। कर्मों से ही पाप मिलते हैं, कर्मों से ही पुण्य होते हैं। और हमारे जो जीवन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, करीबन 32,000 थॉट्स, आप समझो कि पॉजिटिव थॉट्स हैं या सकारात्मक ऊर्जा कह सकते हैं, और इतने ही नेगेटिव थॉट्स आते हैं, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर आती है, प्रवाह करती है। इस नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में कैसे बदलना है, इसी का ज्ञान प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी अपने अनुभव से कैसे बदलते हैं, इसके लिए आपको उनकी शरण में आना पड़ेगा। प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा का जो मिशन है, द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ, प्राणी मात्र की समस्त समस्या को सुलझाने का एक मात्र तरीका है। आप इसको फॉलो कीजिए और अपने जीवन में सुख की अनुभूति कीजिए। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। नमः शिवाय। नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। आज के इस एपिसोड में एक बहुत ही गंभीर बात जो है वो डिस्कस होने वाली है, लेकिन एक नहीं, बहुत सारी बातें होंगी। एक्चुअली कुछ होते हैं वहम भरम, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बुज़ुर्ग जो हैं वो पुराने समय से अभी तक लेकर आते हैं अपने साथ ही, और अपने बच्चों को या समाज में भी वही चीज़ें बताते हैं। अच्छा, ये भी बात ज़रूरी नहीं कि बुज़ुर्ग हमेशा ठीक ही होते हैं, लेकिन अमूमन जो है वो ठीक होते हैं। प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब की यही हमेशा कोशिश रहती है कि जो बुज़ुर्ग हैं उनसे नई नई चीज़ों को सीखा जाए। अब बुज़ुर्ग और नई चीज़ें कैसी हो सकती हैं? बुज़ुर्गों के पास तो वो चीज़ें पुरानी हैं, लेकिन जब वो किसी और इंसान तक पहुँचेंगी, प्रोफेसर साहब तक पहुँचेंगी, तब उनके लिए तो वो नई बातें होंगी ना। तो ऐसी नई बातें जो बुज़ुर्गों के अंदर कैद हैं, बुज़ुर्ग जो हमारे हैं वो नॉलेज का भंडार हैं, और उनसे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें मिल सकती हैं जो कि किसी तिजोरी में भी हमें नहीं मिलेंगी, जो कि लाखों करोड़ों से भी परे होंगी। सो प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब को बुज़ुर्गों की सोहबत जो है, उनकी कंपनी जो है, वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज हम उन बातों को अलग करेंगे जो बुज़ुर्गों की सही हैं, और उन बातों को अलग करेंगे जो बुज़ुर्गों के वहम भरम हैं, जिन्हें वो आज भी सच मान रहे हैं। तो बहुत सारी आज ऐसी बातें होने वाली हैं, लेकिन अगर आपको भी ऐसा कोई वहम आता है, आपको लगता है कि ऐसा होगा या वैसा होगा, अच्छा उनके दादाजी ने तो ऐसी बात कही थी, तो कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसे वाले लोग खास करके इन अपॉइंटमेंट नंबर्स पे आप कॉल कीजिए, अपनी कुंडली दिखाइए, क्योंकि ऐसा होगा कि नहीं होगा या ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ें तो भाई आपकी कुंडली देख के ही समझ में आएगा। तो आज का हम ये जो एपिसोड है शुरुआत करते हैं। सवाल जो है मुझे लगता है कि मुश्किल होने वाले हैं, लेकिन अब प्रोफेसर साहब पर इतना ज़्यादा विश्वास बन गया है, मुझे पता है कि वो जवाब भी उतने ही विश्वास के साथ देंगे। तो पहले स्वागत कर लेते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर साहब। नमस्कार प्रोफेसर साहब।
बहुत सारे ऐसी औरतें होती हैं जिनको स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं जिनके शरीर पे ज़रूरत से ज़्यादा और जिस जगह पे नहीं होने चाहिए बाल होते हैं, जैसे यहाँ पे बाल होते हैं और कईयों की मतलब मर्दाना जैसे दाढ़ी होती है वैसे बाल होते हैं या यहाँ पे बाल होते हैं, वो ट्रीटमेंट भी करवाती हैं, बहुत महंगी ट्रीटमेंट्स भी हो गई हैं, टीवी चैनल्स पे एड्स भी चलती रहती हैं, कुछ करवा सकते हैं कुछ नहीं करवा सकते। तो मैंने बहुत बार बुज़ुर्गों से ये बात सुनी है कि जिन औरतों की दाढ़ी होती है या जिनके यहाँ बाल आते हैं वो जो हैं वो सही नहीं होती घर के लिए, तो ये बात जो है क्या वो सही है? पहले तो मुझे पूरा आंसर कीजिए, जो क्वेश्चन किया पूरा कीजिए, सही क्यों नहीं होती, फिर इसका आंसर साइंटिफिक रीजन से और डीपली दूंगा। जो बुज़ुर्गों ने बोला वो बोलेंगे बिल्कुल सही बोला, जो मैं बोलूँगा वो आप बोलोगे बिल्कुल सही बात बोली है। वो किस लिए बोलते हैं, क्या नहीं सही होता? नहीं मतलब बुज़ुर्ग ये कहते हैं कि चुस्त चलाक होती हैं और फिर दूसरी बात ये भी है कि वो कहते हैं कि उनकी अपनी दाढ़ी जो होती है अपनी होती है, वो किसी और की रहने नहीं देती, मतलब इस तरह की बंदे की दाढ़ी रहने नहीं, मतलब बेसिकली बंदे के लिए वो अनलकी भी होती हैं, तेज होती हैं और ज़्यादातर सारी चीज़ें हड़पने वाली होती हैं कि मेरे पास ही सारा धन आ जाए। अगर घर में सपोज कोई चीज़ आई है तो वो उस चीज़ को अपने पास रखेंगी, अपनी सास को बिना दिखाए हुए अपने पास के छुपा के रख लेंगी, पति कोई खाने वाली चीज़ लेके आया वो अपने पास रख लेंगी छुपा के, किसी और को नहीं देंगी, मतलब सब हड़पने वाली लालची किस्म की होती है। ऐसी बात सच है, बुजुर्ग कहते हैं ऐसा, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, बुजुर्ग कैसे कहते हैं क्योंकि बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। इसके पीछे कहते कैसे है और ये क्या सच है आज आपको पता चलेगा जी, लेकिन इसके बारे में मेरी गारंटी है बुजुर्ग भी नहीं जानते, तभी तो मैं बुज़ुर्गों के पास बैठता हूँ। क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि इन्होंने बताया कि दाढ़ी पे बाल होते हैं तो ऐसे बंदे चुस्त चलाक होते हैं, वो दूसरे पास गई बात, वो ना चुस्त चलाक होते हैं पैसा उसके पास अपने पास रखते हैं, तीसरे पास गई नहीं पैसा हड़पने वाले होते हैं, चौथी के पास जाएगी बात हाँ वो सब कुछ अपने पास रख लेते हैं, यानी कि बातों में बात आगे बढ़ती जाती है, जितने लोगों के पास बात जाएगी वो बात के साथ एक बात जुड़ती जाएगी। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न दूंगा और जवाब भी दूंगा मैं, तभी तो हमारे शो का नाम है द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ, यानी कि मतलब आपकी ज़िंदगी के रहस्य मैं बताऊंगा जो आपको नहीं पता। ऐसे रहस्य मैं क्या करता रहता हूँ, खोज करता हूँ आपके लिए और बताता रहता हूँ। चलो बताता हूँ फिर सब कुछ, जितनी बातें इन्होंने बोली है सब सही हैं, लेकिन किस ढंग से सही है वो सारी बातें बताऊंगा मैं आपको। जैसे कि इन्होंने बोला कि जिस लेडी के ऊपर दाढ़ी होती है वो क्यों होती है, पहले क्यों, चंद्र और शनि का जिस कुंडली में मेल होता है, चंद्र और शनि उसकी मदर के यहाँ पे बाल होते हैं, उस लड़के की मदर पे या लड़की की मदर पे यहाँ पे बाल होते हैं, चंद्र और शनि औरत प्रधान टेवा यानी कि बंदो जैसी औरत होती है, वो अपने हस्बैंड को यानी कि बंदों को वो चलाती हैं, औरत चलाती है, आपने ये काम नहीं करना, सुबह इतने बजे जाना इतने बजे आना, यानी कि औरत चलाती हैं। पहली सास क्या बोलती थी, हमारे तो बंदे जैसी औरत आ जाएगी, वो तो घर बार खुद संभाल लेगी, सब कुछ अपने पास रख लेगी, हमें तो देगी नहीं, इसलिए उसे गलत बोला गया, लेकिन वो गलत नहीं होती, वो भी सही हैं बुज़ुर्ग जिन्होंने बोला हाँ ऐसी होती है, लेकिन हड़पने वाले नहीं सब कुछ चलाने वाली होती हैं, क्योंकि वो औरत नहीं वो बंदा लेके आते हैं घर में, वो पूरे घर को संभाल लेती हैं, औरत प्रधान टेवा बन जाता है वो। जिसकी कुंडली में चंद्र और शनि का मेल होगा वो ऐसा ही होगा, औरत प्रधान टेवा, औरत चलाएंगी बंदों को, ये काम आपने ऐसा नहीं करना, उसके घर में औरत प्रधान होती है, बंदों की पिक्चर नहीं चलती। देखा, अब मुझे ये बताइए कभी सुना था ये योग, ये कुंडलियों का ही हेर फेर होता है। बुज़ुर्ग जो बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं, बुज़ुर्ग नहीं गलत बोलते, लेकिन उसको गलत ढंग से लिया जाता है, आपने गलत ढंग से ले लिया, सही ढंग से नहीं लिया, लेकिन इसका लाज भी बताऊंगा बाद में मैं, इस बाल को कैसे कम किया जाए वो बात की बात है, वो उसका लाज भी बताऊंगा, कुंडली के मुताबिक बताऊंगा कि कुंडली आपकी कैसी है, बाल क्यों आए और आपने इसको कैसे रिमूव कराना है, वो बात की बात है। पहले मैं आप सबको बता दूं कि कुंडली में जब ऐसा योग बनता है तो आपकी माता औरत प्रधान टेवा बन जाता है, औरतों की घर में चलती है वो, औरत अपने पास सब कुछ रखती है,
आपने ये खर्चना है, आपने ये खर्चना है, माता को इतने देने हैं आपने। वो औरत घर बहुत अच्छे से संभालती है, उसको गलत कैसे हो सकती है, पहले मुझे ये बताओ। जो घर को संभाल ले वो औरत गलत होती है। औरत गलत तो उसे बोला जाता है जो मायका आपका पूरा भरती है, पैसे ससुराल के पैसे, यानी कि अपने अपने कमाई के पैसे, जैसे उसके पति ने पैसा कमाया, अपने पैसे उठा के मायके को देते, वो औरत गलत होती है। क्यों? क्योंकि जो पिछला नहीं भूलती। औरत का धर्म क्या होता है बता दूं? वो किस लिए जन्म लेती है बता दूं? वो कहाँ पे जाती है? ससुराल के घर में जाने के लिए उसका जो होता है धर्म होता है। वो मायका परिवार जो होता है पराया घर होता है, जो अपना घर होता है वो ससुराल। अगर कोई औरत अपना घर उजाड़ के मायकों को देती है, इसका मतलब पूरी जिंदगी वो जिंदगी में सेटल नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो पराये को दे रही है। पराया घर कितना होता है? मायका। तभी तो मैं बोलता हूँ भाई क्या कर रहे हो, किसके आगे जा रहे हो, जिसको पता ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है। ये बातें मैं समझाने के लिए आपके सामने आता हूँ। कुंडलियों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। मेरे पास आज आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं, तो आप फटाफट ना एक उपाय ज़रूर बता दीजिए जिससे कि ये वाली प्रॉब्लम जो है थोड़ी सॉल्व हो जाए, फिर हम अगली बात पे चले फटाफट। अच्छा। मेरे पास भी एक सवाल है जी। आपने काला कपड़ा क्यों पहना? क्योंकि काला कपड़ा मैं पहनने से मना करता हूं। नहीं, आपने ये भी बोला है कि दिन में नहीं पहनना, रात को पहनना। अच्छा, रात हो चुकी है। हाँ, रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, क्योंकि कुंडलियाँ जो हैं वो नहीं देखी जा सकती जब वो रात हो जाए। तो जब कुंडलियाँ देख के ये फ्री हो जाते हैं तब इनके पास टाइम होता है कि हमसे मिलने के लिए आए। और मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन है कि आप आधे घंटे के लिए पहन सकते हो, लेकिन उसके अलावा नहीं पहन सकते। रात को पहन सकते, इसलिए सूर्य अस्त हो चुका है। जी जी जी, बिल्कुल, ज्योति बढ़ गया जी। बिल्कुल सही। अच्छा, इसका उपाय बता दूं और दूसरा सवाल तैयार है? जी जी, रेडी है जी, बिल्कुल। अच्छा, सुनिए भी, क्योंकि मेरी बातें आगे की आगे चली जाती है। पुनीत जी मेरी बातें समझ चुकी हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरी बातें जब मैं बोलता हूं तो मेरे रहस्य आगे के आगे खुलने शुरू हो जाते हैं। जो बुज़ुर्ग होते हैं वो कभी गलत नहीं होते भाई। मुझे तो अभी तक याद है जब हमारा कच्चा कोठा था, सभी बुज़ुर्गों का होता था, कच्ची जो दीवार थी उसके ऊपर लेप किया जाता था मिट्टी का। आज मुझे समझ आ रहा है लेप क्यों करते थे मिट्टी का। आज मुझे समझ आ रहा है कि छत के ऊपर जो होती थी, जिसे कहते थे मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी आजकल तो मिलती नहीं है, तब तक आम मिट्टी मिलती थी, गाचनी जिसे बोलते हैं, वो मिट्टी लेकर उसमें गोबर मिलाया जाता था, गोबर से उसको लेप किया जाता था मिट्टी, लाल मिट्टी से भी किया जाता था छत के ऊपर लेप। मुझे अभी तक याद है जब मैं छोटा सा था, ये तो बात होगी तकरीबन 1978 की या 77 की बात होगी, जब क्योंकि हम गांव में रहते थे पहले, तो मुझे गांव की बातें याद रहती हैं, मैं नहीं भूलता। मैं छोटी छोटी बातों को याद रखता हूँ, जब मेरी मदर ऐसे किया करती थी, हमारे घर में भैंसें हुआ करती थी, भैंसों को दूध निकाला जाता था। चलो वो बहुत पुरानी यादें हैं, कभी नहीं भूल पाता। मैं भी एक भैंस से दूध निकालता था, मैं भी दूध वो पीता था चोरी चोरी पहले से। वो बातें तो याद आती हैं, क्यों? क्योंकि मैं बुज़ुर्गों से बहुत प्यार करता हूँ, स्नेह करता हूँ, मैं वो बातें पूछने के लिए जाता हूँ। जैसे कि 60 की बातें, 50 की बातें, 48 की बातें, 47 की बातें, देश याद हुआ तो कैसे हुआ था। जैसे कि मेरे फादर से पूछता हूँ आप कितने साल के थे, कैसे आए थे गांव से। जैसे कि मेरे नाना जी बताते थे मैं गांव में नानी तेरी लड़ रही थी, झगड़ रही थी, मेरे ऊपर ट्रंक लदा हुआ था, उसके ऊपर सोने चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के थे, बहुत सारा सामान था। उस वो झगड़ा हो गया फिरोजपुर के पास, जो कहते हैं ना फिरोजपुर के पास जैसे शोनी आती है, वहाँ पे जो एक बॉर्डर पड़ता है वहाँ पे दरिया पहले चलता था, वो हरिका दरिया वहाँ से गुजरता था। मेरे नाना जी ने गुस्से में आके वो ट्रंक दरिया में फेंक दिया, नहीं उठाया जाता तो वहाँ पे फेंक दे। इसलिए वो बातें याद करता रहता हूँ, वो बातें कैसे आते थे, मेरा नाना कैसे आया था, मेरा दादा कैसे आया था वहाँ से, लाहौर से, वो कैसे आते थे, क्या करते थे लाहौर में। मुझे शौक़ है वो बातें पूछने का। वो पुराने बुज़ुर्ग मेरे पास आते हैं तो बहुत मज़ा आता है। तो जो मैं बातें पूछता हूँ, समय नहीं हो पाता, समय नहीं आता बुज़ुर्गों की बातें सुनने में, क्योंकि मेरे पास आते तो बहुत बुज़ुर्ग हैं मेरी बातें सुन के, उनको पता है ये हमारी बातें कर रहा है। इसलिए मैं सबको समझाता हूँ बुज़ुर्ग कभी गलत नहीं होते। वो अलग बात है, उसको समझाना ज़रूर चाहिए। समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या क्या करना चाहिए, इसका इलाज बता रहा हूँ आप सबको। जिसके बाल उगते हैं, बालों का कारक होता है शनिदेव, शनिदेव को ठीक कीजिए भाई। जिसका शनिदेव नहीं ठीक, आपने क्या करना है, सूखे आंवले,
8 सूखे आंवले लीजिए, चलते पानी में जल प्रवाहित कर दीजिए। आपका क्या होगा? शनिदेव ठीक होना। 8 का अंक शनिदेव का होता है, शनिदेव ठीक हो जाएंगे, आपके बाल धीरे धीरे जाने। और जो स्किन होती है ऊपर का फेस होता है, ये शुक्र होता है, शुक्र को ठीक कीजिए। शुक्र कैसे ठीक होगा, बाल कैसे कम होंगे? शुक्रवार को दही से धीरे धीरे मलिए, आपने दही दही लगानी है, बाल कम होने शुरू हो जाएंगे जिसके बाल ज़्यादा है। आपने शुक्रवार को समय कौन सा, 8:15 से पहले पहले सुबह का। ये सिंपल जनरल उपाय हैं। अगर वो कुंडली के मुताबिक देखूंगा, आपको कच्ची ईंटें करनी है, कुंडली के मुताबिक देखूंगा पक्की ईंटें अपने छत में रखनी है, वो कुंडली के मुताबिक देखूंगा आपका शुक्र जो आलू देने हैं, वो कुंडली के मुताबिक देखूंगा आटे की थैली के साथ क्या क्या देना है, वो कुंडली के मुताबिक पता चलेगा कि आपको फेस के ऊपर। अगर आपका गुरु अच्छा है, हो सकता है कि मैं बेसन आपको मलने के लिए बोलूँ कि बेसन के साथ आपने क्या दही मिक्स करनी है या बेसन के साथ आपने क्या मिक्स करना है, वो बाद की बात है, लेकिन कुंडली के मुताबिक ही पता चलेगा। ये तो मैंने उपाय मोटे मोटे बता दिए वो बिना कुंडली देखे हुए। दूसरा सवाल बताइए जी। नहीं, सवाल से पहले ना आप दर्शकों को एक चीज़ ज़रूर समझा दीजिए कि कुछ लोग जो है वो सिर्फ लड़की को इस वजह से नापसंद कर देते हैं क्योंकि उसकी सूरत अच्छी नहीं है। तो मतलब बात यह है कि खूबसूरती जो है 6 महीने बाद तो पुरानी सी लगने लगती है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जी, पुनीत जी, सच बताता हूँ दिल से, लड़की सुंदर हमेशा शादी के बाद होती है, किसी को पता ही नहीं इस बात का जी। जो लड़की सुंदर या लड़का सुंदर पता कब होता है, जब उसकी 33 या 32 या 31 की उम्र होती है, वो बंदा सुंदर निखार होना शुरू हो जाता है। कहते हैं ना 3 दफ़ा जवानी आती है, कब कब कोई किसी की बात आती है वो बात की बात बताऊंगा मैं। जब मच्योर होता है सुंदरता, असली सुंदरता बाहर आती है 30 साल के बाद। जब शादी होती है, गुरु मिल जाता है, लड़की सुंदर बाद में बनती है, लेकिन इस बात का लोगों को पता ही नहीं होता। आपने सुंदर बनानी है लड़की, कैसे सुंदर बनानी है? लड़का मुझे ये बताइए, लड़कों को कब पता होता है? जैसे कि काली शर्ट के काली पैंट के साथ नीली शर्ट पहनी होती है, मैचिंग का पता ही नहीं होता, मैचिंग कैसे करी जाए? मैचिंग कौन बताता है? लड़की। वहाँ जाके आपने ये नहीं डालना, इसके साथ ये मैचिंग करता है, आपने ये नहीं डालना। मैचिंग कौन बताती है? लड़की। इसलिए लड़की को मैचिंग कौन बताएगा? उसकी माँ, सास या उसका घर वाला। आपको ये सुंदर लगता, आप ऐसे सुंदर लगोगी। हमेशा लड़कियां सुंदर बनती हैं मैरिज के बाद, कोई भी लड़की ऐसी नहीं होती जो सुंदर नहीं होती। लक्ष्मी हमेशा सुंदर ही होती है, आपके हाथ में है, आप में उसने लक्ष्मी बना के रखना है या क्या बना के रखना है। तो ऐसे लड़कों के या परिवारों के ग्रह भी खराब होते हैं ना, जो लड़की को रिजेक्ट कर देते हैं सिर्फ इस वजह से कि वो थोड़ी सी सांवली है या उसको कुछ स्किन प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों के ग्रह भी खराब हो सकते हैं। बिल्कुल होते हैं, वो लड़की उनके लिए बहुत लकी होती है जिसको वो इनकार करते हैं। मैं सबको बोलता हूँ, मैं पता क्या बोलता हूँ पुनीत जी, सबको पता है मेरे बारे में, लड़की आप पसंद कीजिए, कुंडली बाद में मेरे पास लेके आइए, कुंडली को मैं मिलाऊंगा। मैं आपसे, मेरा अगला सवाल यही होने वाला था कि नॉर्मली जब हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं कुंडलियां मिलाने के लिए, हाँ या ना में जवाब होता है, इतने गुण मिलते हैं करवा दीजिए शादी, ये गुण नहीं मिल रहे नहीं हो सकती शादी। तो आप मैं, मेरा सवाल यही है कि आपने जिसके गुण नहीं भी मिल रहे, आप कहते हैं कि अगर आप तैयार है तो मैं शादी करवा देता हूं, वो आप कैसे करते हैं और किस आधार पे करते हैं? पुनीत जी, यहाँ पे मैं डिस्क्लोज कर दूंगा तो सभी हैरान हो जाएंगे, ज्योतिषी प्रोफेसर साहब ऐसी कुंडली देखते हैं। मैं कुंडलियों के गुण नहीं मिलाता जी, मैं कुंडलियों के गुण नहीं, कुंडलियों को आमो सामने रख के उस कुंडली में उसके ग्रह भरता हूँ, उस कुंडली में उसके ग्रह भरता हूँ जी, फिर उसकी मैचिंग करता हूँ जी। अगर कुंडली में मैचिंग नहीं हो रही, उसके ग्रह वहाँ पे जा रहे, उस ग्रह को उठा के दूसरी जगह भेज देता हूँ, वो उपाय बता देता हूँ, शादी हो जाती है। मैं ग्रह नहीं मिलाता, कुंडली को मिलाने का तरीका किसी को आता ही नहीं है। अरे भाई, फिर वही बात, ज्योतिषी नहीं किसी को आती, कुंडली मिलान तो बहुत दूर की बात है। तभी तो बोलता हूँ पहले आप रिश्ता कर लीजिए, यस कर लीजिए, अगर कोई आपको फॉल्ट दिखेगा वो मैं बैठा हूँ। चलो मुझे ये बताइए, आप हंसोगे मेरी बात सुन के, मुझे ये बताइए, जब आपके दादा दादी ने शादी की थी कुंडली मिला के की थी? आपके फादर और मदर ने शादी की थी कुंडली मिला के की थी? अरे भाई, कहते संजोग तो दूर से लिख के, वो तो संजोग तो परमात्मा ने ऊपर से लिख के भेज दिए। आप कुंडली, आप लड़की देखने, चलो मैं अपनी बात ही करता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ। जब पहली दफ़ा मैं लड़की देखने गया, मेरे माँ बाप बोलते, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं कर दीजिए, मेरे माँ बाप बोलते नहीं नहीं लड़की देखने जाना है, तुम चल तैयार हो मेरे साथ। मैं अपनी हकीकत बता रहा हूँ आपको, पूरी दुनिया को अपनी हकीकत बता रहा हूँ। मैं गया, मैंने कहा ठीक है, मेरे माँ बाप बोलते हाइट छोटी है, ये है वो है फलाना है ढिमका है, मैंने कहा सब ठीक है, भगवान ने जो लिख दिया, जो मेरे पास आना है वही आएगा।
मैंने कुंडली नहीं मिलाई, कुंडली बाद में मिलाई, देखा वो मंगलिक थी, मैं अनमंगलिक था, फिर भी कितनी बड़ी शादी हुई, पोते मेरे घर में खेल रहे हैं दो दो, फिर भी कितनी बड़ी है। जो मैं बेटी लेके अपने घर में बहू लेके वो बेटी में मानता हूँ, जो बहू लेके आऊँ वो भी मंगलिक है, मेरा बेटा मंगलिक नहीं है, वो भी कुंडली मैंने बाद में बनाई शादी होने के बाद। देखिए फिर आप बताइए मुझे, अरे भाई अगर मैं सुखी हूँ तो आपको सुखी क्यों नहीं करूँगा, अगर मैं यंग रहने की कोशिश करता हूँ आपको यंग क्यों नहीं रखूँगा, अगर मैं खुश होता हूँ तो आपको खुश क्यों नहीं करूँगा। मेरी यही कोशिश होगी कि आप भी मेरी तरह खुश रहिए। आपको जब आप मेरे पास आते हो मेरा परिवार लगता है मुझे, मैं कहता हूँ मेरी तरह, मैं अपनी तरह सबको बनाऊँगा जैसा मैं हूँ, वो तब बना पाऊँगा अगर आप मेरे उपाय करोगे। परहेज़ मेरे, जोत नहीं जलानी, तुलसी नहीं रखनी, मनी प्लांट नहीं रखना, तीनों उपाय पहले मेरे परहेज़ सुन लीजिए। काला और नीला और कपड़ा नहीं डालना, काला नीला हरा कपड़ा नहीं डलवाता मैं, रात को पहन सकते हो काला नीला हरा, दिन में नहीं पहनना, ये मेरे परहेज़ सुन लीजिए। अगर मेरे परहेज़ कर सकते हो तो फिर आना मेरे पास, नहीं तो नहीं आना। पहले दुख भोग लो और भोग लो और खुशियाँ जो अपने दुख देखने देख लो, फिर आना मेरे पास अगर आप जानते हो कि ऐसा करना चाहते हो। कुंडलियों को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, दुख देख लिए बहुत, अब आइए मेरे पास, बताता हूँ सुख कैसे देखे जाते हैं। यही तो, तभी तो मैं सबको समझाता हूँ, बहुत आसान है, लेकिन देखते हैं आप कैसे आते हो। तो इस वजह से भी वो फिट रहते हैं क्योंकि साथ में उन्होंने ग्रीन टी रखी होती है और जब भी पीता रहता हूँ और पीते रहते हैं साथ में ग्रीन टी भी, पानी जो है वो बहुत ज़्यादा पीते हैं। और आपके पास बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो आप टीवी से तो हमें नहीं पूछ सकते, प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब को नहीं पूछ सकते, तो वो सवाल करने के लिए आप जो है नीचे लिखे नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जब आप कॉन्टैक्ट करेंगे, कॉन्टैक्ट सवाल करने के लिए नहीं करना है क्योंकि वो तो प्रोफेसर साहब का स्टाफ होता है, लड़कियाँ होती हैं, उनकी बेटियाँ हैं जो कि फ़ोन जो है वो उठाती हैं और अपॉइंटमेंट जो है वो आपकी फ़िक्स करवाती हैं, क्योंकि अगर आप उनसे सवाल करने लगेंगे तो वो ज्योतिष नहीं है। हाँ, वो कुछ कुछ जानती हैं लेकिन आपका, आपकी बात का समाधान दे देंगी ऐसा नहीं हो सकता। हाँ जी, आप प्रोफेसर साहब से मिलने का समय जो है वो उनसे ज़रूर ले सकते हैं। और कोई भी दुविधा है, अगर लगता है किसी ने कह दिया है कि शादी नहीं हो सकती, गुण नहीं मिल रहे, तो यहाँ पे वो भी मिल जाएंगे क्योंकि तरीके यहाँ पे अलग हैं। आप अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।